ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट द फर्दर। हमने कुछ देखना है एप्लीकेशन लेयर का, और इसमें जैसे लास्ट में हमने कुछ चीज़ें देखी थी एप्लीकेशन लेयर के हवाले से। इस राउंड की समरी देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, और उससे पहले हमने OSI लेयर्स और TCP/IP लेयर का एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कंपैरिजन किया था। देन हमने फिर ये देखा था कि एप्लीकेशन लेयर में क्या कुछ चीज़ें यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं, वो किन इश्यूज से डील करती है। देन उसके अलावा फिर हमने जो एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं नेटवर्क में उनका आर्किटेक्चर देखा था। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस होती हैं, या हमारे पास पीयर टू पीयर एप्लीकेशंस हो सकती हैं। देन फिर हमने प्रोसेस की कम्युनिकेशंस देखी थी कि प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो उसके अलावा फिर हमने कुछ एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल HTTP का डिस्कशन की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि HTTP को दो तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, परसिस्टेंट कनेक्शन के थ्रू या नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के थ्रू। देन उसके अलावा फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कुकीज़ का, और फिर हमने एंड पे देखा था वेब कैशिंग और प्रॉक्सी सर्वर के हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी। आज जो हमने जो लास्ट में एप्लीकेशन लेयर का जो डिस्कशन की थी उसको फर्दर आगे लेके चलते हैं, और जिसमें आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर कुछ मजीद प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे, और एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सी सर्विसेज यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं। देन अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे प्रोवाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन डेटा। तो पहली जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है एप्लीकेशन लेयर पे वो कहलाती है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी इस तरह होती है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि रिक्वायर करती हैं, ये रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़र की साइड से है कि वो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और उसको ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है कि जो फाइल ट्रांसफ़र करे और उसमें 100% रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र हो, मगर मतलब ये है कि वहाँ पे कोई लॉस ना करो। तो अगर इस तरह की कोई एप्लीकेशन है जिसमें लॉस अलाउड नहीं है, कि मतलब यूज़र ये चाहता है कि जो भी मैं कम्युनिकेशन करूँ, जैसे सपोज उसने फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो उसमें लॉस ना हो, बेशक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो इस तरह की जो एप्लीकेशन कहलाएगी वो डाटा इंटीग्रिटी की कहलाएगी। यहाँ पे जो डाटा की इंटीग्रिटी है वो इंटेग्रिटी है वो एक्चुअली मेंटेन रहे, डाटा लॉस ना हो। तो इस तरह की एप्लीकेशन में फिर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस होगी वो हम लोग फिर TCP की इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन हो सकती हैं कि जहाँ पे हम लोग लॉस बेयर कर सकते हैं मगर वहाँ पर डिले बेयर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास वॉइस की सर्विस है, जैसे वॉइस की सर्विस में क्या होता है कि हमारे पास लॉस ऑफ जो पैकेट्स है वो वेरिएबल होता है, मगर डिले जो होता है वो वेरिएबल नहीं होता यूज़र के लिए। कि सपोज अगर वॉइस कम्युनिकेशन हो रही हो उसमें अगर कुछ पैकेट लॉस, अगर जो जो सेंडर है जो कि बोल रहा है, अगर उसके थोड़े से 1-2 सेकंड का कुछ फ़र्क भी आ जाए, उसमें कुछ लॉस आ जाए, तो जो रिसीवर होता है वो कैट कर लेता है क्या कहना चाह रहा था। मगर अगर उसमें डिले होगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद पैकेट आ रहे होंगे या थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो वॉइस आ रही होगी, तो फिर एक अजीब सा सिनेरियो होगा। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है जो एप्लीकेशन लेयर पे जो एक्चुअली हमने ये प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि किस तरह की एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। तो एप्लीकेशन लेयर के नीचे जो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, वो हमारे पास दो तरह की है, या तो रिलायबल सर्विस होगी या अनरिलायबल सर्विस होगी। तो डेटा इंटेग्रिटी जो है वो कुछ एप्लीकेशन पे रिक्वायर्ड होती है कि वहाँ पे डिले बर्दाश्त होता है, मगर बर्दाश्त के काबिल होता है, मगर वहाँ पे लॉस जो होता है वो यूज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे सपोज अगर आप ईमेल की एप्लीकेशन लें, तो ईमेल की एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपने सपोज ईमेल टाइप की और सेंड कर दी। अब अगर वो जो आपने ईमेल एक लंबी सी ईमेल टाइप की, इसमें बहुत सी चीज़ें आपने मेंशन की, वो आपने सेंड की, अब अगर वो ईमेल सपोज लॉस हो जाए तो क्या होगा यूज़र के लिए, दोबारा से उसको टाइप करना फिर सेंड करेगा वो। तो ईमेल की एप्लीकेशन में जो है वो लॉस वेरिएबल नहीं है यूज़र के लिए,
कि वहाँ पे डिले भी अवेलेबल है, थोड़ी देर बाद ईमेल रिसीव हो जाए, मगर यूजर को रिसीव हो जानी चाहिए। तो इस तरह की हमारे पास कुछ एप्लीकेशन होती हैं। देन उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन होती हैं जिधर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। टाइमिंग इन अ सेंस कि यहाँ पे लो डिले रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैंने अभी आपको वॉइस एप्लीकेशन की एग्जाम्पल दी, ये सपोज आप सपोज एक गेम खेल रहे हैं, उधर अगर आपके पास जो गेम के अंदर साउंड्स हैं या जो दूसरा प्लेयर है अगर उसकी आवाज़ आपको थोड़ी देर बाद आ रही होगी, पिक्चर आ रही होगी पहले, तो आपको एक अजीब सा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे लॉस हम लोग बियर कर सकते हैं, मगर वहाँ पर डिले जो होता है उन एप्लीकेशंस का वो बेरेबल नहीं होता। तो इस तरह की जो सर्विसेज होंगी वहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम कुछ इस तरह का प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वहाँ पे जो टाइमिंग है वो मैटर करे बजाय इसके कि लॉस मैटर कर रहा हो। देन उसके अलावा ये तो दो मेन हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं ट्रांसपोर्ट लेयर से किसी भी एप्लीकेशन को, या तो उसको डेटा इंटेग्रिटी की एप्लीकेशन की सर्विस रिक्वायर्ड होगी, या फिर उसको टाइमिंग उसके लिए मैटर करेगी। तो दो तरह की एप्लीकेशन हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, देन उसके अलावा अगर थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट नेटवर्क के अंदर एक ऐसा परफॉर्मेंस का पैरामीटर है कि जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नेटवर्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा परफॉर्म कर रहा है। थ्रूपुट एक्चुअली ये होती है कि आपने सपोज एक 100 पैकेट्स ट्रांसमिट किए, यूज़र ने एक 100 नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिट किए, जो नेटवर्क से थ्रू होके पैकेट्स गए वो 99 थे। तो इस केस में एक सेकंड के अंदर तो 99 पैकेट्स पर सेकंड इसकी थ्रूपुट होगी। तो थ्रूपुट मेजर होती है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स सक्सेसफुली नेटवर्क से पास होके रिसीवर तक या थ्रू होकर चले गए, ठीक है। तो ये आपके पास थ्रूपुट कहलाती है। तो नेटवर्क के केस के अंदर कोशिश ये की जाती है कि थ्रूपुट हाई हो। क्यों? उसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स नेटवर्क से जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ पैकेट्स ज़्यादा जाएंगे नेटवर्क से, इसका मतलब ये कि नेटवर्क के अंदर कहीं पे जैम, या जिसको हम लोग ट्रैफिक जैम या जिसको हम लोग नेटवर्क के अंदर कहते हैं कंजेशन, उस तरह की सिचुएशन कहीं पर नहीं है। अगर उस तरह की कहीं पर सिचुएशन होती तो उसका मतलब ये है कि नेटवर्क के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो पैकेट्स हैं वो रुक रहे हैं। अगर उस तरह सिचुएशन नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि थ्रूपुट हमारी अच्छी होगी। तो अगर एप्लीकेशंस के हवाले से बात करें तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे मिनिमम थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज वीडियो कम्युनिकेशन या मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि इससे कम थ्रूपुट जो है वो रिक्वायर, अगर इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है यूज़र ने तो इस थ्रूपुट से कम पे ये एप्लीकेशन रन नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे हमें इफेक्टिवली तौर पे उस थ्रूपुट को मीट करना होता है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे थ्रूपुट जो होती है वेरी कर सकती है। उन एप्लीकेशन को हम लोग इलास्टिक एप्लीकेशन कहते हैं कि वहाँ पे कभी थ्रूपुट कम चाहिए होगी, कभी ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे आपके पास आजकल आप लोग वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे, उधर कभी आपकी जो क्वालिटी ऑफ पिक्चर होती है वो हाई होती है, कभी आपकी लो होती है, और डिपेंड करता है कि आपके पास नेटवर्क का कनेक्शन किस तरह का है। तो इस तरह जो एप्लीकेशन होती हैं वो इलास्टिक एप्लीकेशन कहलाती हैं। जी अब्दुल शकूर, जी अब्दुल शकूर, आपने हैंड रेज किया। सॉरी सर, स्क्रीन टच हो गई। ओके, सर ये जो टाइमिंग वाला है सर, तो सर ये जो टाइमिंग वाला जिसमें आपने इंटरैक्टिव गेम्स किया सर, इसमें सर यानी कि अगर पैकेज लॉस्ट हो या वो सर पिंग वाला भी एक होता है ना गेम्स में, तो सर वो भी पैकेज लॉस के साथ ही इसको करते हैं कि वो ये चीज है। बिल्कुल ऐसी है। जो एक्चुअली गेम्स में क्या होता है, पिंग हम लोग चेक करते हैं कि सर्वर तक हमारे पास पिंग एक्चुअली वही उस दिन मैंने आपको लैब में करके दिखाया था कि पिंग ये होती है कि हम कनेक्टिविटी चेक कर रहे होते हैं कि सर्वर तक हमारी कनेक्टिविटी किस तरह है। अगर तो पिंग कम होगी इसका मतलब ये कि आपके पास जो कनेक्टिविटी है वो हाई कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो टाइमिंग का मतलब भी यहाँ पे यही होगा गेम के अंदर कि अगर आपके पास
मैयर हम लोग उसको पिंग से ही करेंगे कि सपोज आपका जो डिले है जितना टाइम ज़्यादा लग रहा हो, अगर पिंग की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मतलब डिले जो है काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमारे पास जैसे गेम्स की एप्लीकेशन वहाँ पे रिक्वायर ही होता है कि पिंग की वैल्यू या डिले की वैल्यू कम हो, ठीक है। अगर पिंग की वैल्यू कम होगी तो आपको गेमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। मैयर हम इसको उसी पिंग से ही करते हैं एक्चुअली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थ्रूपुट की हम लोग बात करें तो थ्रूपुट में हमारे पास कुछ इफेक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं जिनको इफेक्टिवली तौर पे मीट करना होता है रिक्वायरमेंट थ्रूपुट की, और कुछ हमारे पास इलास्टिक एप्लीकेशन होती हैं। इलास्टिक इन अ सेंस के वो उसमें डेटा रेट वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। देन उसके अलावा फिर हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, जैसे सपोज आपके पास जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एप्लीकेशन हैं वहाँ पे जो यूज़र का डाटा होता है वो रिलेट कर रहा होता है यूज़र के पास अकाउंट में मनी से, तो इस तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे डाटा की इंटीग्रिटी और डाटा की प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, तो वहाँ पे फिर हम कुछ सिक्योरिटी के मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे इंक्रिप्शन हो गई या IDS के मेथड्स या फायरवॉल्स के थ्रू हम लोग कुछ सिक्योरिटी जो होती है वो एप्लीकेशन की इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमें जब कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी होगी तो उसके अगेंस्ट कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज रिक्वायर्ड हो सकती है या यूज़र से यूज़र कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन डेवलपर से। अच्छा, तो कुछ कॉमन एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट देखते हैं कि उधर क्या कुछ रिक्वायर्ड है। इन तीन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर, टाइम सेंसिटिविटी की बेस के ऊपर, थ्रूपुट की बेस के ऊपर और डेटा लॉस की बेस के ऊपर। सिक्योरिटी अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया इस टेबल के अंदर, सिक्योरिटी वैसे आ सकता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, आजकल तो मोस्टली हर एप्लीकेशन अंदर सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। अच्छा, जो फाइल ट्रांसफ़र की एक एप्लीकेशन है वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो उधर डाटा लॉस जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि नो लॉस ऑफ डाटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डाटा लॉस रिक्वायर्ड नहीं, मतलब ये कि यहाँ पे डाटा लॉस अगर होगा तो यूज़र को बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा, सो नो लॉस ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। तो जैसे ही नो लॉस ऑफ डाटा रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है कि ये टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन नहीं है। इधर थोड़ी देर बाद फाइल रिसीव हो जाए मगर विदाउट लॉस रिसीव हो। थ्रूपुट की अगर इसकी बात करें तो ये एक इलास्टिक एप्लीकेशन है, इसमें कभी थ्रूपुट कम या ज़्यादा मिल सकता है। इसी तरह ईमेल की भी है, इसी तरह वेब डॉक्यूमेंट्स की भी एप्लीकेशन। देन अगर हमारे पास रियल टाइम ऑडियो एंड रियल टाइम वीडियो की बात करें तो ये लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन भी है और यस ये टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन भी है। लॉस टॉलरेंट इन अ सेंस कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉस जो होता है, लॉस ऑफ सपोज ऑडियो जो है वो यूज़र बियर कर सकता है। जैसे अगर सपोज मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते हुए एक या दो अल्फाज बीच में से स्किप हो गए और आपको वो रिसीव ना हुए ड्यू टू लॉस इन द नेटवर्क, तो आप मे बी उसको उसको समझ सकते हैं कि सर ने क्या बात बीच में लॉस हो गई। मगर यहाँ पे जो डिले है ये मतलब थोड़ी देर बाद अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी और हम अगली स्लाइड पहुँच गए होंगे तो फिर वो आपके लिए पेरेबल नहीं है कि ये तो अभी अजीब सा चीज़ होगी। तो यहाँ पे टाइम सेंसिटिविटी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, लॉस की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी सख्त नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो थ्रूपुट की भी रिक्वायरमेंट होती है ऑडियो एंड वीडियो के लिए, तो जो थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट है वो है 5 kbps फॉर ऑडियो मिनिमम एंड इफेक्टिवली तौर पर 1 Mbps तक जा सकती है, और वीडियो की जो है 5 Mbps तक इफेक्टिव थ्रूपुट रिक्वायर्ड होती है। अगर टाइम सेंसिटिविटी की बात करें तो दोनों जो हैं उसमें 100 ms का जो डिले है वो जो एंड यूज़र है उसके लिए बर्दाश्त के लिए काबिल है। देन इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टोर्ड ऑडियो वीडियो और डायरेक्टिव गेमिंग की भी एप्लीकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो भी अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी होगी, जो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ये एंड यूज़र के हवाले से रिक्वायरमेंट है। जो एप्लीकेशन डेवलपर होगा या नेटवर्क में जो बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर होगा
वो इन चीज़ों को इंश्योर करेगा कि जो एप्लीकेशन उसके नेटवर्क के अंदर यूज हो रही है वो इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा हो उतरे ताकि यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ सर्विसेज मिले। ठीक है, कोई सवाल है तो भी आप पूछ लो, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। देन अगर जिसने हमने लास्ट टाइम एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल देखा था HTTP, इसी तरह एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो कहलाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आज हम देखेंगे। इसके अलावा ईमेल का प्रोटोकॉल भी आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है वो एक्चुअली अलाउ करता है फाइल ट्रांसफर टूवर्ड्स द रिमोट यूजर या टू द फ्रॉम द रिमोट यूजर। ठीक है, सपोज एक आपके पास एक यूजर है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, ठीक, ये एक रिमोटली तौर पे इस फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है और यहाँ पे कुछ फाइल ट्रांसफर या उसे डाउनलोड करना चाहता है या उस उधर कुछ चीज़ अपलोड करना चाहता है। तो अब इसने जो फाइल ट्रांसफर करनी है, मतलब अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है फ्रॉम दिस सर्वर, तो ये जो चीज़ कह लें कि फॉलो करेगा, ये जो स्टेप्स फॉलो करेगा वो एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है। इधर जो क्लाइंट होता है, इधर जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है ट्रांसफर ऑफ फाइल की, और जो सर्वर होता है वो रिमोट होस्ट होता है और वो एक्चुअली एक्सेप्ट करता है या ट्रांसफर करता है फाइल। ठीक है, इसको अगर बात करें FTP का प्रोटोकॉल, तो जो सर्वर की पोर्ट होती है वो 21 पोर्ट नंबर इस्तेमाल होती है और जो क्लाइंट के एंड पे होती है वो 20 पोर्ट इस्तेमाल होती है। दो पोर्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर FTP के अंदर। तो अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजनी होगी सर्वर को तो वो 21 नंबर पोर्ट पे भेजता है। ठीक है, और जो सर्वर ने अगर डेटा कनेक्शन के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना होगा या रिसीव करना होगा क्लाइंट ने, तो सर्वर की पोर्ट नंबर 20 है। तो एक पोर्ट जो है वो कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरी पोर्ट यहाँ पे जो है वो डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा अब कनेक्शन कैसे बनेगा, तो वो TCP का हम लोग यहाँ जी कोई फार सवाल है तो से शायद गलती से। अच्छा, तो हमारे पास जो कनेक्शन हमने अगर एस्टेब्लिश करना है यूजर ने टुवर्ड्स द सर्वर, वो यूजिंग द पोर्ट नंबर 21 होगा और जो डेटा ट्रांसफर होगा 20 पोर्ट के थ्रू होगा। और ये जो कनेक्शन बनेगा वो यूजिंग द जो TCP प्रोटोकॉल है एज ट्रांसपोर्ट लेयर पे, मतलब ये कि रिलायबल कनेक्शन ये बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है यूजर की वो नो लॉस रिक्वायरमेंट है, इस वजह से हम लोग रिलायबल सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो क्लाइंट की ऑथराइजेशन है, मतलब ये कि ये वही यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू वो हमारे पास यूजिंग द कंट्रोल कनेक्शन हम लोग उसकी ऑथराइजेशन परफॉर्म करेंगे। और जो क्लाइंट का ब्राउजर होगा वो रिमोटली तौर पर डायरेक्ट्री को एक्सेस करेगा, जो सर्वर की अंदर जो डायरेक्टरी मौजूद है उसमें से कोई भी डायरेक्टरी पे जाकर फाइल उसने अपलोड करनी है डाउनलोड करनी है तो उसको रिमोटली तौर पे एक्सेस करेगा यूजिंग द कंट्रोल कनेक्शन। और सर्वर जो होगा फिर अपनी फाइल को रिसीव टुवर्ड्स द क्लाइंट सेंड या रिसीव करेगा, और जैसे ही ट्रांसफर ऑफ फाइल कंप्लीट होगा तो फिर हमारे पास कनेक्शन जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सर्वर ने यहाँ पे जब तक डेटा ट्रांसफर नहीं होता तब तक जो कनेक्शन है TCP का वो ओपन रखता है, ताकि जो आपके पास डाटा है वो ट्रांसफर हो सके। मगर ये हमारे पास कंट्रोल जो कनेक्शन है वो उस केस में आउट ऑफ बैंड होता है, क्योंकि हमने जब तक वो डाटा कनेक्शन इनेबल्ड है तब तक हमने सर्वर सॉरी कंट्रोल कनेक्शन को इनेबल्ड ही रखना है। और यहाँ पे जो FTP का सर्वर होता है वो जो करंट स्टेट ऑफ यूज़र होती है वो मेंटेन रखता है, और यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए पहले वो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करता है कि ये ऑथेंटिक यूज़र है, मेरे साथ रजिस्टर्ड यूज़र ही इसको
लॉग इन करके देन उस फैसिलिटी का इस्तेमाल करें। एफटीपी के अंदर कुछ कमांड्स की अगर बात करें और उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स कोड की बात करें, जैसे हमने फायरशॉक के अंदर देखा था कि एक रिक्वेस्ट का पैकेट जाता है, एक रिस्पॉन्स का पैकेट होता है, तो यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड की कमांड है वो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब यूज़र नेम की कमांड सेंड की जाएगी तो रिस्पॉन्स कोड जो हमारे पास, सपोज अगर यूज़र नेम वेरीफाइड हो गया है तो उसके बाद फिर पासवर्ड रिक्वायर्ड की ये 331 जो रिस्पॉन्स कोड है वो आएगा कि अगर यूज़र नेम ओके है तो फिर आपके पास पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, अगर पासवर्ड ओके हो गया तो फिर उसके बाद फिर वो नेक्स्ट उन चीज़ों को रिव्यू कर सकता है। जैसे लिस्ट अगर करना है उसने पासवर्ड वेरीफिकेशन के बाद, लिस्ट के जो कमांड है वो एक्चुअली उसको यूज़र को जो करंट डायरेक्टरी जिसमें उसने एक्सेस किया है उसके अंदर जो फाइल्स अवेलेबल है उनकी लिस्टिंग प्रोवाइड करती है। देन इसका रिस्पॉन्स कोड जो है वो 125 हो सकता है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स कोड, और जिसमें डेटा कनेक्शन ये बता सकते हैं कि ट्रांसफर जो है वो स्टार्ट हो गया और आपके पास ये डेटा कनेक्शन ओपन है। जी शजर, जी शजर अब्बास, देन उसके अलावा हमारे पास रिटर्न रिट्रीव्स की कमांड है और स्टोर की कमांड है। रिट्रीव की कमांड जो है वो फाइल नेम रिट्रीव करके देती है कि ये वाली फाइल अगर हमें रिक्वायर्ड हो गया, स्टोर की कमांड जो है वो उस फाइल को सर्वर पे पुट करके देती है या अपलोड करके देती है। रिट्रीव की कमांड जो है एक्चुअली फाइल डाउनलोड करके देगी और जो स्टोर की कमांड है वो हमारे पास अपलोड करके देती है। देन ये तो था एफटीपी का एक प्रोटोकॉल जो कि इस्तेमाल होता है फॉर फाइल ट्रांसफरिंग। उसके अलावा हमारे पास ईमेल का प्रोटोकॉल होता है, या ईमेल एक एप्लीकेशन होती है जो कि यूज़र ने एक्सेस करनी होती है या उसने सेंड या रिसीव करना होता है कुछ। तो ईमेल की अगर बात करें तो ईमेल की जो सर्विस है उसके अंदर तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास मेल सर्वर होता है, देन हमारे पास यूज़र एजेंट होता है, और हमारे पास फिर ट्रांसफरिंग का प्रोटोकॉल होता है। जो यूज़र एजेंट है वो एक्चुअली आपके पास ब्राउज़र कह लें या मेल रीडर कह लें, जो आप जिस जी उस्मान सर, यूजर एजेंट पे आपकी आवाज कट गई थी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल वही बता रहा हूँ। यूजर एजेंट जो होता है वो हमारे पास मेल रीडर कहलाता है, या सपोज जैसे आपने आउटलुक का इस्तेमाल करनी एप्लीकेशन, या जीमेल की इस्तेमाल करनी, या आपने कोई और इस रंग की आपने इस्तेमाल करनी एप्लीकेशन, तो यूज करनी होती है किसी एक सर्विस पर।
सॉरी मेरे पास कुछ इंटरनेट का कनेक्शन का मसला था, मैं यूजर एजेंट की बात कर रहा था। यूजर एजेंट वो होता है जो सपोज सर्विस प्रोवाइडर है या जिसके थ्रू आपने मेल को रीड करना है या रिसीव करना है या टाइप करना है, जैसे आउटलुक एक यूजर एजेंट है या आपके पास जीमेल है या आपके पास याहू है, तो ये आपके पास यूजर एजेंट कहलाते हैं जिनके थ्रू यूजर ने ईमेल की सर्विस को एक्सेस करना है। तो यूजर एजेंट की कुछ फंक्शनलिटीज होती है जैसे कंपोजिंग करना, एडिटिंग करना, रीडिंग करना या फॉरवर्डिंग, ऐसी बहुत सी उसकी फंक्शनलिटीज होती हैं। देन यूजर एजेंट के अलावा हमारे पास कुछ मेल सर्वर्स होते हैं। मेल सर्वर जो होते हैं उधर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजर्स का इंफॉर्मेशन होती है और वहाँ पे वो यूजर्स जो होते हैं अपने आप को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, या उधर उनके ऊपर बहुत सी ऐसी फाइल्स वगैरह स्टोर होती हैं, ठीक है। और देन यूजर एजेंट और मेल सर्वर तक का जो कनेक्शन बनता है वो हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू बनता है। अब ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है इसको जरा हम देखते हैं। तो मेल सर्वर्स की अगर बात करें, ये तो यूजर एजेंट की बात है ना, तो जो दूसरा मेन कॉम्पोनेंट है वो हमारे पास मेल सर्वर था। मेल सर्वर के अंदर जो होता है जो इनकमिंग मैसेजेस होते हैं किसी एक यूजर के वो आपके पास उधर स्टोर हुए होते हैं। देन उसके बाद अलावा वहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं उनको फिर क्यू में वो लगाता है। और यूजर एजेंट और मेल सर्वर का जो कनेक्शन बनता है वो यूजिंग द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनता है। वहाँ पर एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। जो क्लाइंट होता है वो सेंड करता है मेल टूवर्ड्स द मेल सर्वर, और मेल सर्वर जो होता है वो ईमेल को रिसीव करने के बाद फिर उस मतलब क्लाइंट की तरफ भेज देता है। तो ये हमारे पास एक मेल सर्वर का कनेक्शन है। देन जो यूजर एजेंट से मेल सर्वर तक कनेक्शन जाना है या यूजर ने अगर व्यू करनी है कोई ईमेल तो वो भी थ्रू द मेल सर्वर ही वो व्यू करेगा, तो इसके लिए जो कनेक्शन बनता है वो यूजिंग द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनता है। अच्छा, इस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP को जो डिफाइन किया गया वो RFC 2821 के अंदर डिफाइन किया गया। अच्छा, जो सिंपल मेल का प्रोटोकॉल है ये ईमेल का, ये हमारे पास क्योंकि यहाँ पे यूजर जो है वो लॉस बेयर नहीं कर सकता, तो इसी वजह से यहाँ पे जो कनेक्शन बनता है वो यूजिंग द TCP कनेक्शन वो हम बनाते हैं। देन यहाँ पे जो अगर पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 25 इस्तेमाल होती है ताकि TCP की पोर्ट नंबर 25 इस्तेमाल होती है ताकि जो रिलायबल कनेक्शन है वो बनाया जा सके। और यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट ट्रांसफर है कि जो सेंडिंग सर्वर होता है वो रिसीविंग सर्वर को डायरेक्टली तौर पर वो ट्रांसफर करता है। अच्छा, SMTP के अंदर तीन स्टेप्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। पहला स्टेप जो है वो हैंडशेकिंग का, हैंडशेकिंग के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द मेल सर्वर एंड द यूजर एजेंट। देन उसके बाद यूजर एजेंट और मेल सर्वर के दरमियान में ट्रांसफर ऑफ डाटा या कम्युनिकेशन या मैसेजेस होती है। उसके बाद फिर वो कनेक्शन जो एस्टेब्लिश किया गया था वो फिर क्लोज। तो थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू या थ्री फेजेस ऑफ ट्रांसफर हैं SMTP के। अच्छा, इसमें जो कमांड और रिस्पॉन्स जो होता है वो उसी तरह जैसे आपके पास HTTP के अंदर था या FTP के अंदर मैंने देखा था। देन एक सिनेरियो के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे SMTP काम करता है। तो जो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पर यूजर है ये LS है और ये रिसीवर है ये Bob है। करना क्या है कि LS ने एक ऐसा किया कि एक यूजर एजेंट को इस्तेमाल करते हुए एक मेल कंपोज की है टुवर्ड्स दिस ईमेल एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब एलिस का जो ही उसने मेल कंपोज की तो एलिस ने फिर मेल कंपोज करने के बाद टाइप करने के बाद अपने मेल सर्वर को उसने एक्चुअली ईमेल सेंड कर दी। अब सपोज एलिस जो है वो
आउटलुक इस्तेमाल कर रही है और जो बॉब है वो सपोज और जीमेल का सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, तो अब आउटलुक से जीमेल या जीमेल से जीमेल यूज़र कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ईमेल? उसमें ये होगा कि जो एलएस है वो उस पर अपना मैसेज लिख के तो अपने मेल सर्वर को भेज देगी वो, देन उसका मेल सर्वर क्या करेगा, पहले स्टेप में तो ये होगा कि वो यूजिंग द यूज़र एजेंट वो कंपोज करेगी ईमेल। यहाँ पे यूज़र एजेंट्स की वही ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वो करने के बाद फिर उसकी ईमेल कंपोज करके देगा। जैसे ही उसने ईमेल कंपोज कर ली और सेंड की तो सेंड होगी टुवर्ड्स जो एलिस का मेल सर्वर है। एलिस के मेल सर्वर ने जैसे ही ईमेल रिसीव की तो एक्चुअली हुआ ये कि एलिस ने अपनी जो मेल सर्वर था उसके क्यू के अंदर वो ईमेल प्लेस कर दी। तो नंबर थर्ड स्टेप में होगा ये कि जो एलिस का मेल सर्वर है वो जैसे ही ईमेल रिसीव करेगा फ्रॉम द एलिस और देखेगा डेस्टिनेशन ये है तो वो फिर बॉब के मेल सर्वर, सपोज ये आउटलुक का मेल सर्वर था ये जीमेल का है बॉब का, तो इनके दरमियान में एक कनेक्शन बनेगा टीसीपी का, ठीक। देन उसके बाद जो एलिस का मेल सर्वर है वो यूजिंग अ टीसीपी कनेक्शन ट्रांसफ़र करेगा मेल ओवर द बॉब के मेल सर्वर, और बॉब का मेल सर्वर जो होगा वो बॉब के मेल बॉक्स के अंदर मेल प्लेस कर देगा जो एलिस ने भेजी थी, और फिर जैसे ही बॉब को वो पॉपअप आएगा या कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन आएगी कि अब मेरे इनबॉक्स के अंदर एक ईमेल आ गई है, तो फिर बॉब जो होगा वो अपने यूज़र एजेंट को इस्तेमाल करते हुए उस ईमेल को या उस मैसेज को रीड कर दे। तो ये एक टोटल सिनेरियो है जिसमें हमारे पास मेल ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम यूज़र एजेंट टूवर्ड्स द मेल सर्वर और देन बिटवीन द मेल सर्वर भी वो ट्रांसफ़र हो रही है। ये जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन एंटिटी टूवर्ड्स द सेकेंड एंटिटी बिटवीन द यूज़र एजेंट्स एंड द मेल सर्वर और मेल सर्वर टूवर्ड्स द मेल सर्वर, वो आपके पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही है। अच्छा, SMTP के अंदर कुछ फाइनल चीज़ें देखें तो SMTP का जो कनेक्शन है वो HTTP कनेक्शन टाइप है, उसकी बेसिस पर काम करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स गेट करने हों तो सिंगल कनेक्शन के ऊपर गेट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैसेज होता है वो 7-bit ASCII फॉर्मेट के अंदर होता है और एंड ऑफ मैसेज जो होता है SMTP के अंदर वो CRLF के लाइन से हम लोग एंड ऑफ मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसके बाद अब मैसेज एंड हो गया, ठीक है। अगर इसको HTTP से कंपेयर करें तो HTTP के अंदर एक्चुअली हम लोग कनेक्शन बना रहे थे और चीज़ें कर रहे थे, जबकि SMTP के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है या पुश की एक कमांड कह सकते हैं टूवर्ड्स द सेकंड एंटिटी, जबकि HTTP जो था वो तो कनेक्शन बना रहा था, वो पुल की एक तरह से काम पे बात कर रहा था, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें इसके मेल मैसेज फॉर्मेट की तो होता ही है कि इसके अंदर दो एक इसका जो मैसेज फॉर्मेट है उसके अंदर दो ही एंटिटीज हैं, एक हेडर की एंटिटी है और एक जो है इसकी मैसेज की बॉडी होती है। मैसेज की बॉडी के अंदर वो मैसेज होता है या वो सारी इंफॉर्मेशन होती है या फाइल अटैच भी हो सकती है, तो वो बॉडी के अंदर होती है। जो हेडर होता है हेडर के अंदर हेडर की लाइन के अंदर किसको आपने ईमेल भेजी उसका ईमेल एड्रेस और किससे ये ईमेल आई वो देन CC है BCC है वो सारी इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट क्या है उस ईमेल का, इस तरह की चीज़ें उसके हेडर के अंदर होती है। अच्छा, ये तो होता है हमारे पास ट्रांसफ़र करना ना एक यूज़र एजेंट से मेल सर्वर तक या मेल सर्वर से मेल सर्वर तक ट्रांसफ़र करना ईमेल को, वो यूजिंग द SMTP का प्रोटोकॉल है। ये तो ट्रांसफर ऑफ ईमेल्स और स्टोरेज प्रोवाइड करता है को और सर्वर्स को, ठीक है। जबकि अगर आपने उन मेल ईमेल्स को अगर आपने एक्सेस करना हो, मतलब सर्वर से रिट्रीव करना हो मैसेज को, अब सपोज बॉब के पास वो मैसेज आ गया था या ईमेल आ गई थी तो बॉब ने वो ईमेल व्यू करनी है फ्रॉम द मेल सर्वर, तो ये जो काम करता है ये आपके पास मेल एक्सेसिंग का प्रोटोकॉल काम करता है उसके ऊपर। उसमें हमारे पास फिर दो तरह के प्रोटोकॉल है, पॉप का प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है और इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है।
पॉप का जो प्रोटोकॉल है उसमें हम लोग वर्जन 3 इस्तेमाल करते हैं, पॉप 3, उसमें ऑथराइजेशन का फीचर होता है और डाउनलोड का फीचर होता है। इसी तरह IMAP जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे सिक्योरिटी के फीचर्स हैं और उसमें मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर्ड मैसेजेस भी है, ठीक है। और HTTP जो है होता है वो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू एक्सेस द लिंक ऑफ द पर्टिकुलर यूजर एजेंट। अच्छा, पॉप 3 का अगर प्रोटोकॉल की बात करें, पॉस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअली हमने क्या करना है कि सर्वर से मेल को एक्सेस करना है। अब जी उस्मान, आवाज कट की सर, पॉप 3 प्रोटोकॉल रिपीट कीजिएगा। अच्छा, पॉप 3 का जो प्रोटोकॉल है ये मेल एक्सेसिंग प्रोटोकॉल है। तो ईमेल होती है वो व्यू कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली गेट करते हैं फ्रॉम द मेल सर्वर। और इसमें दो फेजेस हैं, पहला ऑथराइजेशन का फेज है जिसमें यूजर का नेम और पासवर्ड और वो बाकी सारी चीजें ऑथराइज हो रही होती है। सेकंड फेज होता है वो ट्रांजेक्शन फेज होता है। जो ऑथराइजेशन का फेज है ये थ्रू कुकीज भी हो सकता है, या फिर अगर फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहा है तो फिर थ्रू यूजर नेम पासवर्ड भी हो सकता है। और देन इसमें फिर चूंकि आजकल काफी ज्यादा सिक्योरिटीज इनेबल्ड है तो टू वे सिक्योरिटी, जिसमें कोई मैसेज रिसीव हो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर, या कोई कोड वो खुद ऑटो जनरेट करके भी वो कर सकते। तो ऑथराइजेशन के फेज के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, मगर फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ मैंने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया। जैसे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ऑथराइजेशन के फेज के अंदर, अच्छा यहाँ पे जो एस का मतलब है वो सर्वर साइड है, सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, और सी का मतलब है क्लाइंट, क्लाइंट ने क्या किया। जैसे ऑथराइजेशन जो ही उसने वो मेल टाइप की, सपोज उसने जीमेल एक्सेस करनी थी, जीमेल उसने टाइप किया यूजिंग द HTTP और उसने एंटर प्रेस किया, तो अब क्या होगा सामने वो इसका यूजर नेम रिक्वायर्ड करेगा। तो जो सर्वर साइड है वो क्या कहेगा, यस सर्वर रेडी, अब जो क्लाइंट होगा वो अपना यूजर नेम लेगा, यूजर नेम उसने दिया, सर्वर उसका यूजर नेम अपनी बैकएंड सर्वर डेटाबेस में चेक करेगा कि वाकई में यही यूजर नेम से रजिस्टर था, अगर था तो फिर ओके करके देन फिर क्लाइंट जो होता है वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा और यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करके तो फिर सर्वर है वो ओके कर देगा और लॉग इन हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन का फेज स्टार्ट होता है। ट्रांजेक्शन के फेज के अंदर सबसे पहले यूजर लिस्ट करके उसको लिस्टिंग प्रोवाइड होती है कि कौन कौन से आपको ईमेल रिसीव हो चुके हैं या आपका करंट मेल जो बॉक्स है उसके अंदर क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो लिस्टिंग प्रोवाइड होती है जिसमें आपके पास मैसेज का नंबरिंग प्लस उसका स्टेटस कि ये रीड मैसेज है या ये अनरीड मैसेज है, ठीक है, वो सारा कुछ होता है। देन उसके बाद क्लाइंट जो होता है वो रिट्रीव कर सकता है, मैसेज को डाउनलोड कर सकता है अपने पास या डिलीट कर सकता है कुछ मैसेजेस को, या उसके अलावा भी बहुत से ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है, पोइट भी कर सकता है मतलब लॉग आउट कर सकता है, ठीक है। देन इसके अलावा हमारे पास इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। पॉप का सर्वर जो यूजर को दो ही फंक्शनलिटी प्रोवाइड की है, डाउनलोड करने की ईमेल मतलब व्यू करने की या फिर डिलीट करने की। पॉप 3 का जो सर्वर होता है या जो प्रोटोकॉल होता है वो हमारे पास जो मैसेज ईमेल मैसेजेस जो होते हैं उनकी कॉपीज अपने पास रखता है, और पॉप 3 जो होता है वो स्टेटलेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। जबकि इंटरनेट मेल एक्सेसिंग जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर तमाम मैसेजेस जो होते हैं वो एक ही प्लेस के ऊपर होते हैं, सर्वर के ऊपर, ठीक है। और जो इंटरनेट मेल एक्सेस का प्रोटोकॉल है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, उधर आप फोल्डर्स बना सकते हैं। आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है मेल एक्सेस के लिए वो IMAP इस्तेमाल, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल्स भी प्लेस कर सकते हैं, फाइल को व्यू भी कर सकते हैं, फाइल की फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें वो हमारे पास IMAP के थ्रू हो सकती हैं। और यूजर को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज करने का मैसेजेस को फोल्डर के अंदर या फोल्डर्स क्रिएट करने का। देन उसके अलावा फिर जो यूजर की स्टेट होती है ड्यूरिंग द सेशन ऑफ ईमेल एक्सेसिंग वो
मेंटेन की जाती है और उसके अंदर यूज़र का नेम, पासवर्ड और उसके साथ साथ उसने क्या कुछ फोल्डर मेंटेन किया, फोल्डर की मैपिंग कैसे की, मैसेज कैसे उसने किए या फोल्डर का नेम क्या कुछ उसने मैप किए, तो सारा कुछ जो होता है वो स्टेट मेंटेन करता है IMAP का प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर के हवाले से, अगर कोई सवाल है तो वो आप फिर पूछ सकते हैं। सर वो